हाँ चालू हो गया। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन कारपेंट्री वर्कशॉप। गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको कारपेंट्री वर्कशॉप के बारे में बताऊंगा। पिछले क्लास में आपको फिटिंग वर्कशॉप के बारे में बताया गया था, तो आज हम कारपेंट्री वर्कशॉप के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे लेआउट से, कारपेंट्री वर्कशॉप का लेआउट। मैं अभी कारपेंट्री वर्कशॉप लेआउट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, और उसमें क्या क्या पॉइंट हैं और उस पॉइंट का क्या नाम है ये देखेंगे। इसके बाद हम कारपेंट्री टूल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेआउट से, कारपेंट्री वर्कशॉप का लेआउट। लेआउट ऑफ कारपेंट्री वर्कशॉप। तो ये जो आपका कारपेंट्री वर्कशॉप है, इसका जो शेप है स्क्वायर शेप का है। किसी भी वर्कशॉप का लेआउट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। कहीं भी अगर आप नई जगह जा रहे हैं तो आपको लेआउट के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आपका जो कारपेंट्री वर्कशॉप है वो स्क्वायर शेप का है। तो एक स्क्वायर शेप हमने बना लिया। डायमेंशन कुछ भी हम रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि स्क्वायर शेप का बनाना है। इसका डायरेक्शन शो कर देते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। किसी भी वर्कशॉप का लेआउट बनाने के लिए सबसे पहले उसका जो डायग्राम है, जैसा भी उसका शेप हो वैसा बनाएंगे। उसके बाद जो भी आपने डायरेक्शन शो किया है सबका पहले सेंटर निकाल लें। ये जो आपने शेप बनाया स्क्वायर शेप का, ये हमने इसका सबका सेंटर निकाल लिया। अब बारी बारी से शो बारी पॉइंट के थ्रू अब इसको शो करते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। तो सबसे नंबर वन पे जो दिखाया गया मेन गेट है, ये आपका मेन गेट है। यहाँ पे डायरेक्शन में जो हमने सेंटर निकाला है उसके राइट साइड, इसको नंबर वन से दिखाया है। नंबर टू पे है आपका, पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ उसके बाद इसके पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ये हमने लेआउट बना दिया है एक कारपेंट्री वर्कशॉप का। इसमें देखिए पॉइंट्स जितने भी शो किए गए हैं, एक से लेकर 14 तक
सबका अलग अलग नाम है। तो नंबर वन पे जो आपका है मेन गेट, मेन गेट जिसको एंट्रेंस गेट भी कहते हैं, जो साउथ डायरेक्शन में दिखाया गया, साउथ डायरेक्शन के राइट साइड। नंबर टू से जो यहाँ पे शो किया गया है आईसी रूम, इट्स मींस इंचार्ज रूम, जहाँ पे कारपेंट्री वर्कशॉप के इंचार्ज का सिटिंग प्लेस है। नंबर थर्ड पे आपको जो शो किया गया है इंचार्ज रूम के जस्ट बगल में, वो है टूल स्टोर रूम, टूल स्टोर रूम। नंबर फोर पे जो आपको दिखाया गया है इंचार्ज रूम और टूल स्टोर रूम के बीच में, ये आपका जॉब बोर्ड, जॉब बोर्ड। नंबर फाइव से जो शो किया गया जस्ट मेन गेट के बगल में है, वो है आपका पावर मेन सप्लाई, पावर मेन सप्लाई। नंबर सिक्स पे है जस्ट पावर मेन सप्लाई के बगल में वुड टर्निंग लेथ मशीन, वुड टर्निंग लेथ मशीन, जिसपे जनरली हिंदी में उसे कहते हैं खराद करना, जिसको इंग्लिश में टर्निंग ऑपरेशन भी कह सकते हो, लेथ मशीन। नंबर सेवन पे आपका साइड गेट, हर वर्कशॉप में एक साइड गेट या जिसे इमरजेंसी गेट कहते हैं वो बना रहता है। नंबर एट पे है बैंड सो मशीन, बैंड सो मशीन। नंबर नाइन यूनिवर्सल वुड वर्किंग मशीन। नंबर टेन पे जो आपका है वो है बैंड सो सर्क्यूलर सॉ ग्राइंडिंग मशीन। नंबर 11 पे जो आपको दिखाया गया है नॉर्थ साइड, ये आपका ग्राइंडिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन। नंबर 12 पे है जो आपको दिखाया गया है, यह पोर्टेबल ड्रिल मशीन, पोर्टेबल ड्रिल मशीन। आप नोट करते भी चले ताकि जब आपको फाइल बनाना होगा तो ये सारे पहले लेआउट से ही स्टार्ट करेंगे। नंबर 13 पे जो दिखाया गया है यह है ब्लैक बोर्ड, जो बिल्कुल नॉर्थ डायरेक्शन के सेंटर में है, ब्लैक बोर्ड। और जो नंबर 14 पे दिखाए गए हैं, टोटल 9 दिखाए गए हैं 14 नंबर से, यह है आपका वर्क बेंचेस, वर्क बेंचेस। तो ये था वर्कशॉप में जो दिखाए गए हैं 14 पॉइंट्स, उसका डिस्क्रिप्शंस। आपको ध्यान में रखना है कि लेआउट कैसे बनाना है, अभी मैंने आपको बताया जस्ट कि जो आपका कारपेंट्री वर्कशॉप है वो स्क्वायर शेप का है, तो आपको स्क्वायर शेप में ही बनाना है, और किस तरह से बनाना है वो यहाँ पे दिखाया गया। सबसे पहले हम सेंटर निकालेंगे हर साइड का, उसके बाद ही हमें सारा चीज़ दिखाने हैं। और जितने भी पॉइंट्स दिखाए गए हैं, ये पॉइंट का किससे किसका क्या नाम है ये यहाँ पर दिखाया गया है 14 पॉइंट से। यहाँ पे कुछ मैं आपको बता दूँ, जैसे आपका मेन गेट आप जाने गए, इंट्रेंस गेट जिसको कहते हैं, जहाँ से आपको एंट्री करना है। सेकंड नंबर पे इंचार्ज रूम,
थर्ड नंबर पे जो टूल स्टोर रूम है, यहीं से आपको टूल्स एंड जॉब प्रोवाइड कराए जाएंगे। नंबर फोर पे जो दिखाया गया है जॉब बोर्ड, यहाँ पे मास्टरपीस, जो भी आप जॉब बनाओगे उसका मास्टरपीस रखा हुआ है एज अ सैंपल के रूप में। नेक्स्ट है पावर मेन सप्लाई। कारपेंट्री वर्कशॉप में कई ऐसे मशीनें हैं जो पावर के थ्रू रन होते हैं, उस तो जितने भी ये मशीनें हैं वो पावर मेन सप्लाई के थ्रू ही जाता है। अगर पावर मेन स्विच को अगर ऑफ कर देंगे तो सप्लाई जाना बंद हो जाएगा। एज अ सेफ्टी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर पे वुड टर्निंग लेथ मशीन, जहाँ पे हम खराद वर्क करते हैं, टर्निंग ऑपरेशन करते हैं, किसी भी जॉब को सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं इस मशीन के थ्रू। सेवन पे जो दिखाया गया साइड गेट या एंट्रेंस गेट है। नंबर एट बैंड सो मशीन जो दिखाया गया यहाँ पे। बैंड सो मशीन का जनरली यूज चिराई करने के काम में लाते हैं, लेकिन एज अ प्रैक्टिकल हम इस पर चिराई एंड कटाई या किसी भी शेप में कटिंग करना हो वो भी कर सकते हैं। नंबर नाइन पे दिखाया गया इन्वर्सल वुड वर्किंग मशीन। इन्वर्सल से इन्वर्सल नाम से ही पता चल रहा है कि इस पर कई ऑपरेशन एक साथ किए जा सकते हैं। ऐसे इस पर आप एक साथ चार ऑपरेशन कर सकते हो, प्लेनिंग, कटिंग, ड्रिलिंग एंड मोटाइजिंग, ये सारे ऑपरेशन हम एक साथ कर सकते हैं। नंबर टेन से जो दिखाया गया बैंड सो एंड सर्कुलर सो ग्राइंडिंग मशीन, इसका यूज है जो हम बैंड सो और इन्वर्सल मशीन में जो कटिंग के लिए यूज करते हैं सर्कुलर सो, उस पर आपको धार लगाना हो या उसको शार्प करना हो उसके टीथ को, तो हम इसी मशीन पे करेंगे, बैंड सो एंड सर्कुलर सो ग्राइंडिंग मशीन पे। नंबर 11 से जो दिखाया गया ग्राइंडिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन का जनरली यूज किसी भी टूल्स को जो शार्प एज वाले हो उसको अगर शार्प करना हो तो हम ग्राइंडिंग मशीन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोर्टेबल ड्रिल मशीन, जो 12 नंबर से दिखाया गया है। पोर्टेबल का अर्थ है कि इसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान भी रिप्लेस कर सकते हो, और ड्रिल मशीन किसी भी सर्कुलर शेप में आपको ड्रिल करना हो, इसमें होल करना हो, तो हम इस मशीन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर ब्लैंक बोर्ड, जो नॉर्थ डायरेक्शन के बिल्कुल सेंटर में दिखाया गया है। और नंबर 14 पे जो है ये वर्क बेंचेज, 9 वर्क बेंचेज दिखाए गए हैं जिस पर आपको काम करना है, कोई भी जॉब बनाना है, यही वर्क बेंचेज का हम यूज़ करेंगे। वर्क बेंच एज अ सपोर्टिंग टूल्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा कारपेंट्री वर्कशॉप के लेआउट के बारे में। अब बात करेंगे कारपेंट्री वर्कशॉप में कौन कौन सा टूल्स यूज करते हैं उसके बारे में, ठीक है। हाँ पीपीटी चला, तो अभी मैं आपको एक पीपीटी के थ्रू ये सारा चीज आपको मैं बताऊंगा। ओके तो अभी मैंने आपको बताया था कारपेंट्री वर्कशॉप के बारे में, कारपेंट्री वर्कशॉप के लेआउट के बारे में मैंने अभी आपको बताया। अब जानते हैं कारपेंट्री वर्कशॉप में कौन कौन सा टूल्स यूज करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले कारपेंट्री वर्कशॉप है क्या। कारपेंट्री वर्कशॉप को ऐसे जनरली में बढ़ाई गिरी भी कहते हैं, जहाँ पे कारपेंट्री ज्वाइंट्स, इसके अलावा और भी जो वुड से रिलेटेड हम वर्क करते हैं वो हम कारपेंट्री वर्कशॉप में ही करते हैं। तो यहाँ पे कारपेंट्री वर्कशॉप का डेफिनेशन दिखाया गया है। कारपेंट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्किल ट्रेड एंड इट्स इज स्टिल वाइडली रिक्वायर्ड इन मॉडर्न कंस्ट्रक्शन। इट इन्वॉल्व द कटिंग, शेपिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ वुड फॉर वेल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर। तो ये जनरली कारपेंट्री वर्कशॉप का जो कारपेंट्री है
उसका एक डेफिनेशन है, ठीक है। आगे चलते हैं, वुड वर्किंग हैंड टूल्स। वुड वर्किंग के लिए हम क्या क्या हैंड टूल्स यूज करते हैं वो देखिए। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ टूल्स अकॉर्डिंग टू दियर यूज इज गिवेन बिलो। जितने भी टूल्स है उसको क्लासिफाइड किया गया है एज अ यूज करते हुए। तो नंबर वन है मेजरिंग एंड मार्किंग टूल्स, होल्डिंग एंड सपोर्टिंग टूल्स, कटिंग टूल्स, प्लेनिंग टूल्स, बोरिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स, स्ट्राइकिंग टूल्स एंड मिसलेनियस टूल्स। अब एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। मेजरिंग एंड मार्किंग टूल्स, पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं मेजरिंग क्या है और मार्किंग क्या है। मेजरिंग इट्स मीन्स मेजर करना, जिसमें हम कोई भी डायमेंशन मेजर करते हैं, चाहे लेंथ हो या उसका आउटसाइड या इनसाइड डायमीटर चेक करना हो, डायमेंशन चेक करना हो, वो मेजरिंग टूल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है मार्किंग टूल्स। मार्किंग टूल्स इट्स मीन्स मार्क करना या लाइन ड्रॉ करना, ये जितने भी टूल्स हैं ये मार्किंग टूल्स के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे मेजरिंग एंड मार्किंग टूल्स में जो जो टूल्स यूज करते हैं कारपेंट्री वर्कशॉप के लिए यहाँ पे दिखाया गया है। नंबर वन पे आपका इंजीनियरिंग स्केल, या जिसको स्टील स्केल भी कहते हैं। नेक्स्ट है 2 फीट फोल्डिंग रूल, फ्लेक्सिबल स्टील टेप, ड्राई स्क्वायर, जिसका यूज 90 डिग्री चेक करने के लिए हम करते हैं। किसी भी जॉब का हमें राइट एंगल चेक करना हो तो हम ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका माइटर स्क्वायर। माइटर स्क्वायर का यूज जनरली 45 डिग्री एंगल चेक करना हो तो वहाँ पे हम माइटर स्क्वायर यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका बीवेल स्क्वायर, इसका यूज आप 0 to 180 डिग्री तक आप डायमेंशन चेक कर सकते हैं, एंगल चेक कर सकते हैं। इसका जो ब्लेड होता है वो मूवेबल होता है। बाकी जितने भी मैंने आपको बताया ट्राई स्क्वायर और माइटर स्क्वायर का, ये जो ब्लेड है इनका वो फिक्स होता है, लेकिन बीवेल स्क्वायर का जो ब्लेड है वो मूवेबल होता है, उसको आप 180 डिग्री एंगल तक आप रोटेट कर सकते हो। नेक्स्ट है मार्किंग गेज। मार्किंग गेज का जनरली यूज जब आपको सिंगल लाइन ड्रॉ करना हो तो हम मार्किंग गेज का यूज करते हैं। और नेक्स्ट है मोटाइज गेज, जब आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना हो एक साथ तो हम मोटाइज गेज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो मार्किंग टूल्स जो हम यूज करेंगे मार्किंग टूल्स के रूप में, वो मार्किंग गेज एंड मोटाइज गेज यूज करते हैं। यहाँ पे स्क्राइबर यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है आपका होल्डिंग एंड सपोर्टिंग टूल्स। होल्डिंग इट्स मीन्स किसी भी जॉब को होल्ड करना, होल्ड करने के बाद उस पर हम डिफरेंट ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे आपको कटिंग करना हो, फाइलिंग करना हो इत्यादि। सपोर्टिंग टूल्स इट्स मीन्स सपोर्ट देना, किसी भी सपोर्ट देना, जैसे आपको कोई भी मान लीजिए कि आपको लाइन ड्रॉ करना हो तो हम कहाँ रख के ड्रॉ करेंगे, तो सपोर्टिंग टूल्स वहाँ पे यूज करेंगे। सपोर्टिंग टूल्स के रूप में एज अ वर्क टेबल आपका सपोर्टिंग टूल्स में ही आता है। तो यहाँ पे जो होल्डिंग एंड सपोर्टिंग टूल्स में जो यहाँ पे टूल्स दिखाया गया है वो इस प्रकार है। नंबर वन बेंच वाइज, ये आपका होल्डिंग टूल्स। बेंच वाइज को कारपेंट्री वाइज भी कहते हैं, क्योंकि इस तरह का जो वाइज है सिर्फ कारपेंट्री में ही यूज होते हैं, इसीलिए इसको कारपेंट्री वाइज कहते हैं। जहाँ पे आपको जॉब को होल्ड करके आप उस पर डिफरेंट ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे आपको प्लेनिंग करना हो या कटिंग करना हो इत्यादि। नेक्स्ट है बेंच हुक, बेंच स्टॉपर, ये जितने भी पॉइंट है या माइटर बोर्ड हो, ये वर्क टेबल्स, जो वर्क बेंचेज आपको लेआउट में दिखाया गया था 40 नंबर से, उसमें ये सारे सेट होते हैं। बेंच हुक हो गया आपका, बेंच स्टॉपर। नेक्स्ट है आपका सी और जी क्लैंप, ये भी एक तरह का होल्डिंग टूल्स है। इसका नाम उसके शेप के आधार पर रखा गया है, नाम से ही पता चल रहा है कि उसका जो शेप होगा वो सी या जी आकार का होगा, ये एक तरह का होल्डिंग टूल्स है। नेक्स्ट है बार क्रैम्प, ये भी आपका एक होल्डिंग टूल्स है, इससे हम किसी भी
जॉब को होल्ड कर सकते हैं, और फिर होल्ड करने के बाद हम इसके जॉब के ऊपर ड्रिलिंग इत्यादि कर सकते हैं। तो ये तो था होल्डिंग एंड सपोर्टिंग टूल्स के बारे में। नेक्स्ट है कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स में हम जो कटिंग के लिए यहाँ पे कारपेंट्री वर्कशॉप में जो हम यूज करते हैं वो है आपका सॉ, जिसको हम आरी भी कहते हैं, और दूसरा है चीजल। तो पहले डिफरेंट सॉ के बारे में हम जानते हैं। सॉइंग टूल्स, यहाँ पे कारपेंट्री वर्कशॉप में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइंग टूल्स यूज करते हैं। जो नंबर वन पे है रिप सॉ। रिप सॉ का यूज जनरली अलोंग द ग्रेन्स, जब आपको कटिंग करना हो तो हम रिप सॉ का यूज करते हैं। नेक्स्ट है टेनन सॉ। टेनन सॉ को बैक सॉ भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में कटिंग कर सकता है, फॉरवर्ड एंड रिटर्न स्ट्रोक दोनों डायरेक्शन में। आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में कटिंग करना हो या रिटर्न में, ये दोनों डायरेक्शन में कटिंग करने के लिए हम टेनन सॉ का यूज करते हैं। टेनन सॉ का एक और नाम भी है बैक सॉ। इससे बिल्कुल सीधी कटिंग करनी हो तो हम टेनन सॉ का यूज करते हैं। टेनन सॉ के टॉप पे जो सॉ है उसके टॉप पे एक मेटेलिक स्ट्रिप लगा होता है जो इसके फ्लेक्सिबिलिटी को रोकता है। इसीलिए जब भी हमें सीधी कट करना हो या टेनन बनाना हो तो हम वहाँ पे टेनन सॉ का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका डप्टिल सॉ। ये भी आकार में बिल्कुल टेनन सॉ के जैसा ही है, लेकिन बट इसमें एक डिफरेंस यही है कि जैसे टेनन सॉ में हम मेटेलिक स्ट्रिप टॉप पे यूज करते हैं, इसमें हम नहीं करते। नेक्स्ट है आपका क्रॉस कट सॉ। जैसे आपने देखा था कि रिप सॉ में, रिप सॉ के द्वारा हम अलोंग द ग्रेन्स कटिंग कर सकते हैं। जब हमें क्रॉस द ग्रेन्स कटिंग करना हो तो हम क्रॉस कट सॉ यहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका कंपास सॉ। जब आपको मान लीजिए कि गोलाई में कटिंग करना हो तो हम यहाँ पे कंपास सॉ यूज करते हैं। इसमें जो सॉ डिफरेंट डिफरेंट साइज के हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका की होल सॉ। इसका यूज की शेप में कटिंग करना हो तो हम की होल सॉ का यूज करते हैं। यहाँ पे जितने भी टूल्स हैं उनका नाम उसके प्रॉपर्टीज के आधार पे ही रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं चीजल के बारे में, टाइप्स ऑफ चीजल्स। तो यहाँ पे जो चीजल यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजल हैं। जो नंबर वन पे है मोटाई चीजल, सेकेंड फॉर्मल चीजल, थर्ड डक्टिल चीजल एंड फोर्थ सॉकेट चीजल। मोटाई चीजल का यूज जब आपको होल करना हो मोटाई शेप या स्क्वायर शेप में तो हम यहाँ मोटाई चीजल का यूज करेंगे। मोटाई चीजल का जो यूज करते हैं हमेशा अक्रॉस द ग्रेन्स यूज किया जाता है, ना कि अलोंग द ग्रेन्स। अगर आप अलोंग द ग्रेन्स इसका यूज करेंगे तो आपका जॉब पीस फट जाएगा। फॉर्मल चीजल का यूज जनरली जब मान लीजिए आपने कटिंग किया हो, कटिंग करने के बाद बीच से मटेरियल को रिमूव करना हो तो वहाँ पे फॉर्मल चीजल का यूज करते हैं। फॉर्मल चीजल का यूज हमेशा अलोंग द ग्रेन्स यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डप्टिल चीजल। डप्टिल चीजल का यूज जनरली आपको डप्टिल शेप जो हम बनाते हैं वहाँ से जब मटेरियल को रिमूव करना हो तो डप्टिल चीजल का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सॉकेट चीजल। जब आपको सॉकेट बनाना हो तो हम वहाँ पे सॉकेट चीजल का यूज करते हैं। मोटाई चीजल, थर्मल चीजल, डप्टी चीजल एंड सॉकेट चीजल। ये तो था आपका टाइप्स ऑफ चीजल जो जनरली हम कटिंग यहाँ कारपेंट्री वर्कशॉप में यूज करते हैं। आप देखेंगे कि हर वर्कशॉप में चीजल अलग अलग है। जैसे आपको फिटिंग एंड स्मिथी वर्कशॉप जब आपका लगेगा तो वहाँ पे चीजल सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे चीजल अलग होते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लेनिंग टूल्स। प्लेनिंग इट्स मीन छिलाई करना। तो प्लेनिंग टूल्स के रूप में जो हम टूल्स यूज करते हैं वो इस प्रकार हैं। आयरन जैक प्लेन, ये देख रहे हैं नाम ही है आयरन जैक प्लेन, बिल्कुल इनके प्रॉपर्टीज के आधार पर रखा गया है। जो भी ये आपका ये प्लेनिंग टूल्स है, ये जैक प्लेन जो है वो आयरन मटेरियल का बना हुआ है, कास्ट आयरन मटेरियल का कास्टिंग करके ये बनाया गया है। तो नंबर वन पे आयरन जैक प्लेन, सेकेंड आयरन ट्राइंग प्लेन, स्मूथिंग प्लेन, कंपास प्लेन, रिवेट प्लेन, ग्रोविंग प्लेन या इसको प्लॉक प्लेन भी कहते हैं,
स्पोक्स एयरप्लेन, बोलिंग प्लेन एंड वुडन जैक प्लेन, ये जितने भी हैं इनका शेप एंड साइज सबका अलग अलग होता है जो आपको बुक में दिखाया गया है। और जब आपको प्रैक्टिकल क्लास होगी, आपको प्रैक्टिकल करते हुए जब दिखाया जाएगा तो ये सारे टूल्स आप वहाँ पे देख पाएंगे। और जब भी आपको मौका मिलेगा यहाँ आने का और साथ में प्रैक्टिकल करने का, तो आपको और ज़्यादा जानकारियाँ मिलेगी जब अपने हाथ से आप सारा काम करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये सभी थे प्लानिंग टूल्स जो डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बोरिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स। पहले हम जानते हैं ड्रिलिंग टूल्स के बारे में। ड्रिलिंग है क्या? ड्रिलिंग का मतलब होता है ड्रिलिंग जो मशीन है इसमें ड्रिल बिट यूज करते हैं, डिफरेंट साइज के ड्रिल बिट यूज होते हैं। ड्रिलिंग से तात्पर्य है कि जब भी हमें सर्कुलर शेप का होल करना हो तो हम ड्रिलिंग मशीन का यूज करते हैं। और बोरिंग का अर्थ यह है कि जब आपने ड्रिल किया है और उसके साइज को इनलार्ज करना है, ठीक है, ड्रिल किए हुए जॉब में फिर से आप ड्रिल कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड बोरिंग, वो बोरिंग कहलाएगा। तो ड्रिलिंग एंड बोरिंग टूल्स में हम जो यहाँ पर टूल्स यूज कर रहे हैं वो इस प्रकार है, हैंड ड्रिल, कंट्री ड्रिल, ऑगर, गिमलेट, रैचेट, ब्रेस। तो ये टूल्स यूज किए जाते हैं बोरिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स के रूप में। नेक्स्ट है आपका स्ट्राइकिंग टूल्स। कारपेंट्री वर्कशॉप में जो स्ट्राइकिंग पर्पज के लिए हम जो टूल्स यूज करते हैं वो इस प्रकार हैं, क्लॉ हैमर। क्लॉ हैमर से आप स्ट्राइक भी कर सकते हो, और जब आपको मान लीजिए कि नेल आपने उसमें इंसर्ट किया किसी जॉब में और उस नेल को निकालना हो तो हम क्लॉ हैमर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मैलेट। मैलेट है वुडन मटेरियल का बना होता है, ये लाइट इन वेट होता है। जब भी आप कारपेंट्री वर्क करते हैं कारपेंट्री वर्कशॉप में तो वहाँ पे मैलेट का यूज करना होता है, ना कि क्लॉ हैमर का। क्लॉ हैमर का जनरली यूज जब आपको नेल को इंसर्ट करना हो किसी भी जॉब पीस में, वुडन जॉब पीस में, तो वहाँ पे हम क्लॉ हैमर का यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मिसलेनियस टूल्स। अभी तक हमने जितने भी टूल्स देखे थे इससे पहले मिसलेनियस टूल्स से, वो मेन टूल्स थे आपके कारपेंट्री वर्कशॉप से। अब उन टूल्स के अलावा और क्या क्या टूल्स यूज करते हैं वो मिसलेनियस टूल्स के अंतर्गत है। नंबर वन है पिंसर। पिंसर का यूज जनरली आपको नेल्स को जिसके ऊपर हेड नहीं बने होते हैं उसको अगर आपको रिमूव करना है, निकालना है, तो वहाँ पे हम पिंसर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर आप सभी जानते होंगे कि स्क्रू ड्राइवर का क्या यूज है। स्क्रू ड्राइवर से हम किसी पेज को खोलना हो, यहाँ पे जो हम स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं वो साइज में थोड़ा बड़ा होता है। नेक्स्ट है आपका ट्रायंगुलर फाइल। ये जितने भी तीन आप यहाँ पे फाइल देख रहे हैं, ट्रायंगुलर फाइल, ब्रास फाइल, हाफ राउंड फाइल, ये फिनिशिंग पर्पज़ के लिए हम यूज करते हैं। ट्रायंगुलर फाइल नाम से ही पता चल रहा है किसका जो शेप होगा ट्रायंगुलर शेप का होगा। इससे आप ट्रायंगुलर फाइल का हम यूज जो आपने 100 यहाँ पे आपको बताया गया जितने भी उसको अगर शार्प करना हो तो हम यहाँ पे ट्रायंगुलर फाइल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रास फाइल। जब आपको वुडन मटेरियल पे मटेरियल ज़्यादा रिमूव करना हो फाइलिंग के थ्रू तो वहाँ पे हम रास फाइल यूज करते हैं। नेक्स्ट है हाफ राउंड फाइल। हाफ राउंड को फाइल को हाफ राउंड स्मूथ फाइल भी कहते हैं। जब आपको बिल्कुल जॉब पीस पे स्मूथनेस देना हो, बिल्कुल फिनिशिंग शेप देना हो, तो वहाँ पे हम हाफ राउंड फाइल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका एज, जिसको कुल्हाड़ी भी कहते हैं। कुल्हाड़ी का यूज आपने देखा होगा किसी भी कारपेंटर के पास कि उसका क्या यूज करते हैं। तब एज का यूज ऐसा आप देखेंगे कि जो कारपेंटर हैं वो आप वो क्लॉ हैमर या मैलेट अपने पास नहीं रखते हैं, वो एज रखते हैं, उसी से वो स्ट्राइकिंग भी करते हैं और सिलाई भी करते हैं। नेक्स्ट है आपका आउटसाइड एंड इनसाइड कैलिपर। आउटसाइड एंड इनसाइड कैलिपर का यूज हम करते हैं
आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर को चेक करने के लिए। तो ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ टूल्स कारपेंट्री वर्कशॉप का। यही टूल्स कारपेंट्री वर्कशॉप में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमने आज की क्लास में ये जानने की कोशिश की कि कारपेंट्री वर्कशॉप का लेआउट क्या है, कैसा होता है, वो मैंने आपको सबसे पहले बना के दिखाया। उसमें डिफरेंट पॉइंट्स थे, वो भी आपको मैंने बताया। और नेक्स्ट आपको मैंने बताया कि कौन कौन सा टूल्स कारपेंट्री वर्कशॉप के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा जिसमें जॉब बनाए जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी ये क्लास वर्कशॉप प्रैक्टिकल की क्लासेस हो रहे हैं उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये महीने में अभी देखा जाए जैसा कंडीशन है तो महीने में एक बार क्लास लगती है और इसकी अटेंडेंस की बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अगर आप एक भी क्लास मिस करते हैं तो आपके 4 मार्क्स डिटक्ट होंगे, कट जाएंगे आपके, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो भी आपको वर्क दिया जाता है टाइम टू टाइम आपको सबमिट करना है, ठीक है। ये जितने भी मैंने आपको आज बताया है उसको आपको कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द आपको भेज दिया जाए ताकि आप नोटबुक में सारा नोट कर लें। तो हर वर्कशॉप का एक अलग अलग आपको फाइल बनाना है। जैसे आपका फिटिंग वर्कशॉप लगा था तो फिटिंग वर्कशॉप की अलग फाइल बनाएंगे, कारपेंट्री वर्कशॉप आज लगी है तो कारपेंट्री वर्कशॉप की अलग फाइल बनाना है आपको, ठीक है। फाइल बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो आप फाइल बनाएंगे वो ध्यान रखना है फाइल कैसा यूज करना है। फाइल आपको एक साइड प्लेन वाला हिस्सा होना चाहिए, दूसरी साइड लाइन वाले हिस्से। जो भी प्लेन साइड है वहाँ पे आपको ड्राइंग बनाना है, और उसके राइट साइड में जो लाइनिंग वाले हिस्से हैं वहाँ पे आपको उसको डिटेल्स में उसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले आप जो स्टार्ट करेंगे लेआउट से आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप कारपेंट्री वर्कशॉप का लेआउट बनाएंगे, उसके राइट साइड में जो लेआउट के 14 पॉइंट्स शो किए गए थे उसके बारे में आप लिखेंगे 14 पॉइंट्स के बारे में। उसके बाद आपको सेफ्टी लिखना है, सेफ्टी प्रिकॉशंस, क्या क्या सेफ्टी कारपेंट्री वर्कशॉप से रिलेटेड है वो सारा चीज़ वो आपको बुक से मिल जाएगा, जो आप बुक यूज कर रहे हैं एलिमेंट्री वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का। आपको थ्योरी क्लासेज में बता दिया गया होगा, सर ने बताया होगा कि कौन सा बुक यूज करना है फर्स्ट ईयर के लिए। तो उसमें ये सारे टूल्स भी हैं, टूल्स का डिस्क्रिप्शन भी है विद इन फिगर, सेफ्टी प्रिकॉशंस भी है हर वर्कशॉप का। तो आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस भी सारे उसमें नोट कर लेना है, ठीक है। यहाँ वर्कशॉप में सेफ्टी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आप सेफ रहेंगे तभी आप काम कर पाएंगे, ठीक है। तो जितने भी सेफ्टी प्रिकॉशंस है कारपेंट्री वर्कशॉप से रिलेटेड वो सारा आप नोट कर लेंगे। उसके बाद ही आपको ये जितने भी टूल्स बताए गए थे उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करेंगे, जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग से बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ टूल से, ठीक है। तो सब जितने भी टूल्स हैं उनका विद इन फिगर आपको डिस्क्राइब करना है, ओके। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जब भी आपकी ये आपका कारपेंट्री वर्कशॉप लगेगा उसमें आपको प्रैक्टिकल वर्क करते हुए आपको दिखाया जाएगा, ठीक है, ओके। थैंक यू, इनको बोल दो अटेंडेंस के लिए से बोल दो लास्ट 5 मिनट्स को। ये आपको लास्ट 5 मिनट्स दिए जा रहे हैं। आप चैट में सभी अपना रोल नंबर, नाम, एप्लीकेशन नंबर, नेम एंड एप्लीकेशन नंबर लिख दे, इसी से आपकी प्रेजेंट लगेगी। आपके पास सिर्फ 5 मिनट है, 5 मिनट में जितने आप लिख सकते हैं उतना लिखें, ठीक है। हटा दो, देखो क्या अनाउंसमेंट करनी करो। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को बताया गया था आपकी क्लास इंटरेक्शन क्लास होनी थी, वो आज नहीं होगी, तो आप लोग वेट ना करें, आप क्लास लीव कर सकते हैं पहले, अटेंडेंस के बाद आप लीव कर सकते हैं क्लास। और जो इंटरेक्शन क्लास है वो जब भी होगी तो आपको मेल कर दिया जाएगा। ये जो 5 मिनट दिया गया है आप जल्दी से अपना जो एप्लीकेशन नंबर एंड नेम लिखें।
ये स्क्रीन शेयर से हटा दो। ओके थैंक यू हैव अ नाइस डे।